हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। फ्रेंड्स, मैं अंजलि साहू आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए फिर से जो है इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चंस लाई हूँ। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, उस पर जो है अच्छे से फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए, अदरवाइज आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार ने और भारत और कौन से देश के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए, सऊदी अरब, नेपाल, चीन या फिर ईरान। देखो इसका आंसर क्या होगा, सऊदी अरब। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस अनुबंध के चलते दोनों देशों के जो है उच्च स्तरीय नेतृत्व इस रणनीतिक भागीदारी के तहत चल रही पहलू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित तौर पर मिलने में असमर्थ होंगे। इससे रणनीतिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों की पहचान करने में जो है मदद मिलेगी और यह अर्जित किए जाने वाले लक्ष्यों को और प्राप्त होने वाले लाभों को भी जो है परिभाषित करेगा, यानी उनको भी डिफाइन करेगा। और भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध विभिन्न प्रयासों के बाद भी सीमित में ही रहेंगे। ओके, सीमित बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है और सांप की इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया है, टेक्रिसियम गोल्ड या फिर टेक्रिसियम ऑप्टे, क्लैरियन नाइट स्नेक और क्लैरियन ऑप्टे। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक्रिसियम ऑप्टे। ओके जी, टेक्रिसियम ऑप्टे। सोसाइटी के इस प्रसिद्ध समुद्री जीव वैज्ञानिक और निर्देशक दीपक ऑप्टे के सम्मान में दिया गया है। यह एक विषहीन बिल खोदने वाला सांप है जो अरुणाचल प्रदेश के झीरो कस्बे में अव्यवस्थित टली घाटी के वन्य जीव अभयारण्य में पाया गया है। टेक्रिसियम प्रजाति के सांप आमतौर पर पतले होते हैं और वर्तमान में इसकी 7 प्रजातियां हैं, यानी कि इस प्रेजेंट टाइम में इसकी 7 प्रजातियां हैं। अब देखिए थर्ड, RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। अभिजीत प्रसाद, विरल आचार, अतुल प्रजापति या फिर सुनील सिन्हा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट करके बताना है, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरल आचार्य जी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सबसे जो है सबसे युवा डिप्टी गवर्नर जनरल जो गवर्नर विरल आचार्य ने पद से इस्तीफा दिया है और विरल आचार्य को 3 साल के कार्यकाल के लिए 23 जनवरी 2017 को RBI में शामिल किया गया था। उनका 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2020 में पूरा होना था। इससे पहले ही उन्होंने जो है RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में जो अपना कुछ निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यानी कि इस टाइम में भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने, आदित्य मेहता, गीत सेठी, यासीन संची या फिर पंकज अडवाणी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंकज आडवाणी जी। पंकज आडवाणी ने थाईलैंड के थानावत तिरपोंग पाइबोन को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता अपने नाम कर लिया है। उन्होंने थाई खिलाड़ी पर 6-3 से जीत प्राप्त की है। अब इस प्रतियोगिता के बाद पंकज अडवाड़ी IBSF वर्ल्ड कप 2019 में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन जून के अंत में कतर के दोहा में किया जाएगा और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का एक नॉन प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। इस इवेंट को एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ विलियर्ड स्पोर्ट्स द्वारा मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया? देखिए ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। इसका आंसर कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। ओके देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका ईरान में अपने निगरानी ड्रोन गिराए जाने से नाराज। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल नियंत्रण प्रणाली यानी कि आयरेनियन मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और एक जासूसी नेटवर्क पर साइबर हमले के लिए अमेरिकी प्रचार पर वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस साइबर हमले से रॉकेट और मिसाइल हमले में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचा हुआ है। 6 देखिए, मुंबई के आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ भरने वाली पहली पायलट बन चुकी हैं? अटलांटिक महासागर होगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ओके मुंबई के आरोही पंडित अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बनी है। 7 क्वेश्चन नंबर 7, रेल अधिकारियों ने 16 मई 2019 को बताया कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना कोई ट्रिप फेर यानी कि जो है फेरी छोड़े अपने कितने लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लिया? 5 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर या फिर 2 लाख किलोमीटर? A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1 लाख यानी कि 1 लाख। ओके 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। रेल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना कोई फेरी छोड़े ही जो है अपनी 1 लाख किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर ली। ओके 7, हाल ही में किस देश ने भारतीय कंपनियों से देश में और ज्यादा ज्यादा निवेश करने का आग्रह किया है? नेपाल, चीन, रूस या फिर पाकिस्तान? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको जल्दी से कमेंट करना है, फिर आगे चलेंगे। देखो इसका आंसर होगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ओके नेपाल, नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खातिवाड़ा ने 16 मई 2019 को भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता है जो कारोबार करने की दृष्टि से अनुकूल है। किस देश ने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया है? अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जापान? देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। जापान ने मणिपुर में इम्फाल की लड़ाई पर आधारित शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया। इस इम्फाल शांति संग्रहालय का उद्घाटन इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर
किया गया। इस संग्रहालय के लिए जापान बेस्ट गैर लाभकारी संगठन यानी निप्पन फाउंडेशन द्वारा फंडिंग प्रदान की गई है। और इस संग्रहालय में जापानी सैनिक की डायरी तथा अन्य संबंधी वस्तुओं को रखा गया है। ट्रेन देखिए, गुवाहाटी यानी कि जो है असम के किस मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए ऑप्शन है कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर, वशिष्ठा मंदिर या फिर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। कौन सा आंसर सही है आपको जल्दी से गेस करना है, उसके बाद कमेंट करना। ओके देखो इसका आंसर होगा कामाख्या मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित यह कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। अंबुबाची मेला देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है और इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। देवी कामाख्या को सिद्ध कुबाजिका के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पर, और इस मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह विश्व भर में लाखों भक्तों को जो है आकर्षित करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। ओके बिहार। इसमें उत्तर प्रदेश 20वें, उत्तराखंड 19वें स्थान पर है, उड़ीसा 18वें स्थान पर है, और वही सूचकांक में जो है सुधार के पैमानों पर हरियाणा का प्रदर्शन जो है इसमें बहुत अच्छा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ साल 2015 और 2016 की तुलना में जो है 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का संपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक 6.35 यानी कि 6.35 अंक गिर चुका है। ओके 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में आयोजित स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार प्रदान किए? हरियाणा में, झारखंड में, ओडिशा में और सिक्किम में। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 12 फरवरी 2019 को हरियाणा में कुरुक्षेत्र के दौरा किया और उन्हें वहां स्वच्छ शक्ति 2019 में हिस्सा लिया था। हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 13, देखिए हाल ही में किस सरकारी इमारत में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का आदमकद ऑयल पेंटिंग का अनावरण लिया गया है? लाल किले का प्रांगण, संसद का केंद्रीय कक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर दिल्ली सचिवालय। कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करना होगा। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसद का केंद्रीय कक्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने यह चित्र बनाने वाले चित्रकार कृष्ण कन्हाई को भी इसमें सम्मानित किया है। 14, देखिए निम्न में से किस देश के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 पाकिस्तानी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की गई है? देखो भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। चीन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार हर साल पाकिस्तान के करीब 20,000 छात्रों को राज
को राजदूत याओ जी ने कहा कि इससे इन दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क का विचार का संपर्क व संचार बढ़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों देशों के रिश्ते अधिक ही मजबूत होते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ओके, देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2000 रुपये देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ई के पलनीसामी ने कहा कि चक्रवाती तूफान गज व सूखे के मद्देनजर यह विशेष सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 1200 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। ओके, सो गाइस आज की करंट अफेयर की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उसे कमेंट कर दें क्लास के लिए। आपको जो भी जो है क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।